News 18, India. किसानों का संसद की ओर मार्च और बड़ी तादाद में किसान अब दिल्ली कूच करते दिखाई दे रहे हैं। सीमा पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की भी तैनाती है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर कुछ इस तरह से किसान अब संसद भवन की ओर कूच करना चाहते हैं। ऐसे में जबकि संसद सत्र भी चल रहा है और बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा दिल्ली के सीमा पर देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए महामाया फ्लाईओवर की है, जहां पर बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं अपनी कई अलग अलग मांगों को लेकर के। और अब जबकि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली की तरफ निकल गए हैं। 160 गांवों के ये किसान एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करते दिखाई दे रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तकरीबन 160 गांवों के ये किसान हैं जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एहतियात भी बरती जा रही है प्रशासन की ओर से और धारा 144 लगा दी गई है। कई जगहों पर रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है ताकि जो आम लोग हैं उन्हें दिक्कत ना हो। कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच करते दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पहले धरना नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर चला, लेकिन अब यह धरना सड़क पर पहुंच चुका है। सुखवीर खलीफा जो कि भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष हैं, वो धरने पर यहां बैठे हुए हैं। अब देखिए बकायदा पुलिस अधिकारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस मार्ग पर बैठे हैं ये वो एक्सप्रेसवे हाईवे है जो नोएडा ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है, जो पिछले कई घंटे से बाधित हो रहा है। सुखवीर खलीफा जी को समझाने की कोशिश की जा रही है, उनकी मांग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। माफी चाहूंगा, आप लोग की बातचीत चल रही थी। सुखवीर जी, पहले आप लोगों ने मांग की अथॉरिटी के बाहर, आप लोग मांगों को लेकर बैठे रहे, अब क्या हुआ कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? जब कोई नहीं सुनता, जब लिखित में समझौते के बावजूद भी कोई नहीं सुनता, सारे बोर्ड में पास करने के बावजूद भी कोई नहीं सुनता, तो हम क्या करें ये बता दो। 10% बोर्ड में पास हो चुका है, आबादी निस्तारण के लिए 450 से 1000 मीटर बोर्ड में पास हो चुका है। हमारा उद्योग चला गया, उद्योग के उसमें हमें जो है 5% के प्लॉटों में कॉमर्शियल छूट मिले, वो बोर्ड में पास हो चुका है। रही एनटीपीसी की बात, एनटीपीसी में भी डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, वो भी उन्होंने जो निर्णय दिए हैं। हम ये कह रहे हैं किसान अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो बातें आपने मान ली हैं उनको पटल पर उतार दो, चाहे नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे यमुना प्राधिकरण हो, चाहे एनटीपीसी। किसानों भैया कहना है कि कई सालों से उनकी मांग है, 5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं। सुखवीर खलीफा को आप सुन रहे थे और उनकी मांग है, जब नहीं मानेगी तो आज उन्होंने सड़क पर बैठने का ऐलान कर दिया है। कैमरापर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज इंडिया, नोएडा। तो नोएडा में किसानों का ये संसद मार्च है। पिछली बार जब आंदोलन किया था किसानों ने तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठ गए थे। अभी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में ये किसान, और अभी तो ये एक बॉर्डर है, नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाला ये रास्ता है महामाया फ्लाईओवर, जहां पर इन किसानों को अभी रोका गया है। और आप ये समझिए संसद तक ये किसान जाना चाहते हैं, ये अभी एक बॉर्डर है। अगर पिछली बार जैसी हालात हो जाते हैं तो फिर पूरी दिल्ली को हमने देखा था कैसे पिछली बार बंद एक तरह से कर दिया गया था। अब ये दो कैमरा और दो अलग अलग जगह की तस्वीर, किसानों का प्रदर्शन, कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है और महिला किसान जो है वो चिल्ला बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद है और वहां पर भी बाकायदा जाम कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए और ये लगातार जो किसान है ये आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के मानव इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। मानव, आपके पीछे तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं, अब इनकी मांग क्या है? इन्हें रोक तो दिया गया पर संसद तक तो जाने की जिद अभी भी होगी, क्या कहना है? देखिए जो अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे तब किसान महामाया फ्लाईओवर के पास थे, अभी हम आपको सीधा तस्वीर दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों से समझिए किसानों को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। सुखवीर सिंह खलीफा जो भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष हैं वो संबोधित कर रहे हैं। अभी जो तस्वीर हमने यहाँ पर देखी कि पुलिस अधिकारी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बकायदा बातचीत करने की कोशिश करा रहे हैं सुखवीर सिंह खलीफा की, तो उन्होंने बकायदा मंच जो एक तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है उस पर बकायदा अधिकारियों को ये कह दिया कि आप यहाँ पर आके हमसे बात करिए। तो यानी इस रवैये से आप समझ सकते हैं किसान अपनी मांग को लेकर अड़िग हैं और उनका ये कहना है कि जब जो मांगे 5 साल पहले हमसे वादा किया गया वो जब पूरा उसको नहीं किया गया, तो अब कहीं ना कहीं वो सड़क पर बैठने को यहाँ पर आतुर हैं, बैठे हुए हैं। तो
इस तरीके से किसानों का जो धरना प्रदर्शन अभी तक नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर चल रहा था, वो अब सड़क पर आ गया है। और जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, युगल आपको पूरा 360 व्यू आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह है जहां पर महामाया प्रेरणा स्थल है। यहां से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर ही दिल्ली का बॉर्डर है। तो ये वो रास्ता जो दिल्ली नोएडा पश्चिमी यूपी को आगरा लखनऊ से कनेक्ट करता है, वो करीब 4 से 5 घंटे से लगातार ठप पड़ा हुआ है। कई किलोमीटर लंबा जाम पीछे लगा हुआ है। तो जो आवाजाही वाले जो वाहन है वो पूरी तरीके से रुके हुए हैं और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बेशक नोएडा पुलिस की तरफ से कल ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस रूट को आप अवॉइड करें, इस पर ना जाएं, लेकिन जो हालात यहाँ पर है वो उसको देख के लगता है कि अभी देर शाम तक ही ये रास्ता यहाँ पर खुल पाएगा, क्योंकि किसान अपनी मांग को लेकर अड़िग हैं। सुखबीर सिंह खलीफा लगातार ये कह रहे हैं कि हम अधिकारियों की बात तभी मानेंगे जब वो हमसे यहाँ पर मौके पर आकर बातचीत करेंगे, इस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेंगे तभी। जी, मानो बड़ी तादाद में यहां किसान जुटे हुए हैं सीमा पर, उनका जमावड़ा देखा जा रहा है, सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हैं, लेकिन आखिर क्या संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए विशेष रूप से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने ये दिन चुना है, और इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्या दोनों तरफ से कोई सुझाव अब आ पा रहे हैं इस गतिरोध को हल करने के लिए? देखिए प्रशांत, अगर ये सवाल आपको मुझसे है तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि देखिए जब सुखबीर खलीफा से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 5 साल पहले हमको लिखित में ये कहा गया कि एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड के सामने जो मांगे रखी गई थी कि आबादी उसमें माफ कीजिएगा 7% से बढ़ाकर 10% मुआवजे की बात की गई थी, जिन भूमिहीन जो किसान है उनको दुकान देने की मांग की गई थी, तो इन मांगों पर सहमति जताई गई थी। फिलहाल अब इसको समझना होगा, इस केस में कई सारी पार्टीज है, नोएडा अथॉरिटी है, यूपी सरकार है, एक तरफ किसान है, तो एक तरफ एनटीपीसी भी है, और एनटीपीसी की तरफ से भी यहाँ पर नुमाइंदगी की जा रही है। तो ये लंबा मामला है, और किसान ये कह रहे हैं कि हमने कई सालों तक इंतजार किया है सरकार के उस फैसले का। अब आप देखिए कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर ताजा तस्वीर हम दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को कि ये रास्ता आप खोल दीजिए। मैं अधिकारी को सुन पा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एडीएम है, एनटीपीसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और दूसरे अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कह रही है कि हम आपके दुश्मन यहाँ पर नहीं है, हम आपसे बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। तो इस तरीके से पुलिस लगातार कई घंटों से किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं महामाया प्रेरणा स्थल से, जहां पर करीब 1000 की संख्या में किसान यहां पर बैठे हुए हैं। और बिल्कुल देखिए यहां पर एक बात यह भी है कि किसान ध्यान से बड़ा सुनना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि उनका जो कम्युनिकेशन चल रहा है हम उसके बीच में खलल ना डालें, तो इसीलिए हम थोड़ा दूर से रहकर ही हम आपको तस्वीरें दिखा पाएंगे। और ये अब आप देखिए गतिरोध इस तरह बढ़ चुका है कि पुलिस के अधिकारी माइक पर किसान जो नेता है सुखबीर खलीफा उनके सामने, बाकी सैकड़ों की तादाद में जो किसान है उनके सामने अपनी बातचीत रख रहे हैं, और हमसे भी कहा गया कि आप पीछे रहकर ही बात करिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कम्युनिकेशन में हम खलल डाल रहे हैं। तो एक तरीके से अब ये मंच का रूप यहाँ पर ले लिया है। आप पीछे देखेंगे तो क्रेन बकायदा लगी हुई है, बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं। तो यानी पुलिस की तो पूरी कोशिश ये है कि इसके आगे किसानों को ना जाने दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में संसद की सुरक्षा को लेकर हमने बीते कई महीनों में कुछ खबरें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी चौकन्नी है, लेकिन नोएडा पुलिस भी चाहती है कि नोएडा के भीतर ही इस प्रदर्शन को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। और सुखबीर सिंह खलीफा को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है, और सुखबीर सिंह खलीफा के सामने जब कोई भी पक्ष पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से रखा जाता है तो बार बार अपने साथी किसानों से बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नेता है तो अपनी तरफ से कोई पक्ष रखें, तो बाकी किसान अपनी सहमति जताते हैं, उसके बाद ये प्रदर्शन देखिए अभी 500 मीटर पीछे था, अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़कर इस जगह तक यहाँ पर पहुंच चुका है प्रशांत। बिल्कुल मानो, लेकिन क्या इनकी जो मांगे हैं कि जिस पर सहमति बनी उस पर अमली जामा जल्द से जल्द पहनाया जाए, कोई प्रस्ताव आया है दूसरे पक्ष की ओर से कि कब तक इसे किया जा सकेगा, इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, ताकि ये समाधान हासिल करके यहां से रास्ता भी खोल सके? आप बिल्कुल देखिए रास्ता खोलने की कोशिश पुलिस की भी है, सुखबीर सिंह खलीफा को समझाया जा रहा है, उनकी बकायदा हमारे मीडिया के सामने, तमाम किसानों के सामने जो बड़े अधिकारी हैं उनसे फोन पर बातचीत कराई गई। उनकी एक सिंपल सी मांग ये है जो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अधिकारी जब मौके पर यहाँ पहुंचेंगे, प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे, हमारे सामने आके बात करेंगे, तब हम उनकी बात मानेंगे, क्योंकि किसानों को ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले भी उनके साथ वादा करके छलावा किया है। 5 साल पहले का ये मामला है, सरकार लिखित में दे चुकी है, एक बोर्ड बनाया गया था, उस बोर्ड के सामने तमाम मांगे रखी गई थी, उन मांगों को माना गया, और जब मांगे पूरी नहीं हुई तो जाहिर सी बात है किसान ये कह रहे हैं कि हमको सड़क पर उतरना पड़ा, क्योंकि तभी सरकार हमारी बात सुनेगी, ये दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा है।
ठीक है, तो किसानों की अपनी मांगे हैं, मानव लगातार वहां पर मौजूद हैं, किसान नेता से भी बात कर रहे हैं, किसानों से भी बात करें, पर बड़ी बात यह कि किसान ये कह रहे हैं कि 5 साल पुरानी हमारी मांग है और आश्वासन तब भी दिया गया था, बाद में भी आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जो बातें बताई गई थी उन्हें अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। अब ये जो पूरी कवायद आप देख पा रहे हैं वो पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे इसके लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है, बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस रास्ते को खोल दिया जाए, क्योंकि ये जो पूरा चिल्ला बॉर्डर है या फिर महामाया फ्लाईओवर, ये जो पूरा रास्ता है ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला रास्ता है, और यहीं पर ये देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये बैरिगेट्स लगे हुए हैं, इसके आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है जो किसान है उन्हें, और देखिए पूरा मामला जो है वो जमीन अधिग्रहण उससे जुड़ा हुआ मुआवजा, बस इसी से जुड़ा हुआ ये किसानों की मांग है, जो अधिग्रहित जमीन थी विकसित भूखंड की उसके बदले में मांग यहाँ पर किसान कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उन्हें मुआवजा कम दिया गया था, उसे और बढ़ा देना चाहिए, और पहले इसे लेकर बात हो चुकी है, आश्वासन भी उन्हें दिया गया था, लेकिन वो जो आश्वासन दिया गया था उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया और मूर्त रूप नहीं दिया गया, बस यही बात यहाँ पर किसान कह रहे हैं। 5 साल का लंबा इंतजार, और इन तस्वीरों में 160 गांवों के किसानों को इस वक्त आप देख रहे हैं जो अब संसद की तरफ आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं हम बढ़ते चले जाएंगे, और ये जो धरना प्रदर्शन है या भी जो आप बॉर्डर के ऊपर देख रहे हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, वो ये चाहते हैं कि संसद भवन तक पहुंच जाए और फिर वहां पर जाकर प्रदर्शन किया जाए।